पानी है, ज्ञान पाना है तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन ये एक एक मिनट कर लें और अभ्यास के बाद फिर पांच पांच मिनट कर लें। जिनको शरीर को बहुत अधिक बलवान बनाना है तो फिर 50-50 100-100 बार सूर्य नमस्कार कर लें। जिनको अपने शरीर को घटाना है, बढ़ गया है, तो फिर उसके लिए तिलक ताड़ासन, त्रिकोण आसन, तिलक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, द्विचक्रिकासन, शतकोणासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, सर्वासन, अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये 5-5 मिनट कर लें। जिनको डायबिटीज आदि है वो मंडूकासन आदि 5-5 मिनट कर लें। मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नोकासन, जो जितना कर पाए। जिनको मेरुदंड के रोग हैं, उष्ट्रासन, भुजंगासन, मरकटासन आदि 5-5 मिनट कर लें। करने से सब कुछ होगा, करने से खेती होगी, करने से बिजनेस होगा, व्यापार होगा, संसार का सब व्यवहार चलेगा, करने से होगा। ज्ञान, ज्ञान चाहे वो आत्मज्ञान हो, चाहे ब्रह्म ज्ञान हो, ब्रह्म विद्या हो, अपरापरा विद्या हो, पढ़ाई भी करने से होगी, विद्या भी करने से आएगी। कर्म, कर्म से कहीं मुक्ति नहीं है, कर्म से ही सब कुछ मिलेगा, कर्म से ही जीवन दिव्य बनेगा। तो चलो अब जिसको जो करना है, जिनको सूर्य नमस्कार करना है वो 100 बार सूर्य नमस्कार करेंगे, जिनको आसन करना है वो 100-100 बार आसन करेंगे, जिसको जो बताया हुआ है। अब मैं भी एक एक आसन 1, 2, 3, 4, 5 मिनट कर लेता हूं, जिसको जैसा करना हो, लेकिन करना पड़ेगा, करने से होगा। तो आज मौसम कुछ ज्यादा ही सुहाना था, सुबह आंधी और तूफान था, इसलिए हमारे जो योगी हैं उनकी भी संख्या लिमिटेड है, फिर भी आ गए हैं। तो जिसको जो करना है वो उसको कर ले। मैं भी शीर्षासन से शुरू कर लेता हूं। जो पूर्ण स्वस्थ है उनको भी कम से कम 1 घंटा क्रियात्मक योगाभ्यास, जैसे ध्यान हम 1 घंटा करवा रहे हैं, ऐसे आसन प्राणायाम ये भी 1 घंटा करना जरूरी है। और आज तो मैंने आपसे कहा कि प्राणायाम पूर्वक ध्यान करें तो एक साथ कई काम हो जाए, तन भी शुद्ध हो जाएगा, मन भी शुद्ध हो जाएंगे, विचार शुद्ध हो जाएंगे, भावनाएं शुद्ध हो जाएंगी, कर्म शुद्ध हो जाएंगे, दुर्विचार से, दुर्भावनाओं से, कर्मों से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से मुक्त हो जाएंगे। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरे, प्रभु मुझे सब विकारों से, अंधकारों से, तमस से हटाओ, अब तो प्रभु अपनी शरण में। भजन पूर्वक, कीर्तन पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक कर्म। तुम कह रहा था कर्म ही समाधान है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही मर्म है जीवन का। और वो कर्म कैसा हो? वो ज्ञान पूर्वक हो, वो भक्ति पूर्वक हो। उस कर्म में आसक्ति ना हो, उस कर्म में फल प्राप्ति की इच्छा ना हो, कोई कामना ना हो, कोई तृष्णा ना हो, कोई वासना ना हो। तो कर्म शुद्ध कर्म हो, दिव्य कर्म हो, भागवत कर्म हो, श्रेष्ठ कर्म। तो मैं कर्म योग का मार्ग पर चलने वाला, मैं कर्म योगी, लेकिन कैसा कर्म करता हूं?
ज्ञान युक्त कर्म करता हूं, भक्ति युक्त कर्म करता हूं, योग पूर्वक कर्म करता हूं, योगस्थ कुल कर्म ब्रह्मणि आधाय कर्माणि वाला योगी, योगस्थ कुल कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समर्थं योग उच्यते। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति याः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमीमांसका। मैं ज्ञान पूर्वक भक्ति पूर्वक कर्म करने वाला हूं। श्रीमद् भगवद गीता में, उपनिषदों में, वेदों में भी यही कहा है कि आसक्ति को छोड़कर, फल की इच्छा को छोड़कर के, अकाम निष्काम होकर के, आप्तकाम आत्मकाम होकर के कर्म करो। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा। कर्म करो ऐसे कैसे, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से मुक्त होकर के भगवान के नाते कर्म करो, भगवान के नाते योग करो, भगवान के नाते खेती करो, खेत भी भगवान का, खेती भी भगवान की, बीज भी भगवान का, खाने वाले भी भगवान, सब भगवान, भगवान के नाते खेती करो, भगवान के नाते विद्याभ्यास करो तो ब्रह्म विद्या हो जाएगी, भगवान के नाते सारे संबंध, सारे व्यापार, सारे व्यवहार सब कुछ करो ऐसे। ये अभ्यास अभी तो मैं बच्चों और फिर जवानों और फिर बुजुर्गों तक सब तक जाऊंगा, करते करते करना समाधान। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, अपने पन ही करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो। के लिए जो आसन उपयुक्त है, अब जैसे पांच आसन बच्चों के लिए बता दिए, बच्चे फिर
सूर्य नमस्कार भी 5 मिनट कर ले, वो हम करेंगे 5 मिनट अभी सूर्य नमस्कार भी। फिर जो पूर्ण स्वस्थ है, एक आसन आगे झुकने वाले कर लिया, एक पीछे झुकने वाला, एक दो आसन खड़े होने वाला, एक दो आसन उल्टे लेटने वाला, एक दो सीधे लेटने वाला, ऐसे 10-20 आसन सबको कर लेना चाहिए। लेकिन फिर जिसके लिए जो विधान किया हुआ है, हमने कुछ को मोटापा कम करने के लिए आसन बता रखे हैं, किसी को वजन बढ़ाने के लिए, किसी को घटाने के लिए, किसी को वेट के लिए, किसी को बीपी के लिए, किसी को शुगर के लिए, किसी को कमर के लिए, जिसके लिए जो आसन बताए हुए वो आसन करते रहें अपने अपने। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नदिया एक नार कहावत, मिलो निर्भरो, मिलो निर्भरो, जब मिल के दो एक वरण भाए, जब मिल के दो एक वरण भाए, सुरसरी नाम पढ़ो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित धरो। कुछ आसन आगे झुकने वाले, कुछ पीछे झुकने, कुछ बैठ के, कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट के, कुछ खड़े होकर के आसन करने जो स्वस्थ है।
मेरी तरह से जिनको कोई रोग नहीं हो सब आसन थोड़े थोड़े कभी कभी कर सकते हैं। 7 दिन में आसनों का क्रम बना लिया कि 10 आसन मुझे रोज करने, तो 70 आसन हो जाएंगे 7 दिन। और जिनके लिए जो कहा हुआ है बस वो पूरा करें, 100-100 बार सूर्य नमस्कार, 100-100 बार वजन घटाने बढ़ाने वाले अभ्यास। और जिनको डायबिटीज आदि है वो योग मुद्रा आसन जैसा जितना कर पाए उतना 5-5 मिनट कर लें। योग मुद्रासन 2 तरह से कर दिया, पीछे झुक गए तो सुप्त पद्मासन हो गया, ऐसे कर लिया पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस, तन का मन का जीवन का आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव का ज्ञान का भक्ति का कर्म का योग का भोग का संतुलन ही जीवन। आसन को पांच पांच मिनट जिसमें जैसा सामर्थ्य हो 5-5 मिनट एक एक आसन कर ले ना तो जीवन ऐसे बदलता है पता ही नहीं लगता। अब जैसे किसी को बल बहुत अधिक बढ़ाना हो अपने शरीर में, देखो 2 तरह का सुंदर शरीर होता है, एक तो जिम वालों का जिसमें टोले शोले अलग अलग तरह से शरीर को इधर उधर से बढ़ाते हैं, एक होता है सहज सौंदर्य जो भगवान बुद्ध में है, भगवान महावीर में है, भगवान राम भगवान कृष्ण भगवान शिव में है, हनुमान जी में है, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती में सहज सौंदर्य। तो योगी के भीतर सहज सौंदर्य भी आता है अपने आप, प्राणायाम करो ध्यान करो और भगवान के मार्ग पर वेद के मार्ग पर योग के मार्ग पर। और इसमें भी मैंने कहा कर्म योग, अब मैं कर्म योग वाला हूं तो कर्म योग की बात कर रहा हूं। कर्म कैसा? ज्ञान और भक्ति युक्त, मोह आसक्ति मुक्त, ऐसा कर्म। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद का विधान और यही जीवन का सत्य है, बाकी बहुत उलझन है बहुत भटकाव है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विचिच्छतं समाह एवं तो इनान्य थे तो उस दिन कर्म लिप्यते, बहुत उलझन का फलत है लोगों के मनों में, बहुत भ्रांतियां कन्फ्यूजन्स हैं, संशय आत्मा विनश्यति, ना हम लोग कौस्ते न परो। लंबे श्वास भर के ऐसे 1 मिनट से लेकर कोई कोई 5 मिनट ऐसे रोक दे पांच मिनट तो मुश्किल होगा उंगलियों पर, तो हाथों पर हथेलियों पर रोक दे ऐसे 1 मिनट में जठराग्नि ऐसी प्रदीप्त हो जाती है भीतर की योगाग्नि, सारे विकार भस्म हो जाते हैं, सारे रोग। न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। ऐसे 1-1 मिनट। और मैंने कहा जो जिन आसनों में स्थिरता है उनको 1 से 5 मिनट तक, शीर्षासन सर्वांगासन कोई भी मंडूक आसन योग मुद्रा आसन 1 से 5 मिनट जो स्थिरता पूर्वक किए जाते हैं, जो गति पूर्वक किए जाते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार है, जैसे त्रिरक्ताड़ासन त्रिकोणासन पाद हस्तासन द्विचक्रिकासन भुजंगासन आदि, वेट घटाने और बढ़ाने के तेजी से करते हैं तो फिर 100-100 बार तो पूरा लाभ होगा ना।
100% करेंगे तो 100% लाभ होगा। अब जैसे किसी को जठराग्नि बढ़ानी है तो मैंने अभी उत्थित पद्मासन बोला था, ऐसे मयूरासन करना, एक एक मिनट करके 5 मिनट तक करने का अभ्यास करें। कुछ लोग ऐसे ही मुंह उठा करके बोलते रहते, क्या होता है योग से? नकारात्मक बात करना, डिस्ट्रैक्टिव बात करना बहुत सरल है, लेकिन करना करके देख तो सही भाई। अब जैसे मैं अभी जठराग्नि बढ़ाने के लिए बता रहा था, किसी किसी को भूख नहीं लगती तो उत्थित पद्मासन, मयूरासन जो अभी मैंने किया, और तुलासन, अभी तुलासन थोड़ा और कठिन है, एक एक मिनट करके देख लो, और पड़ोसियों के भी पराठे ना खा जाओ, इतनी भूख लगती। अभी लग गई मेरे को, अभी तो मैंने थोड़ी देर किया था, आधा आधा मिनट ही किया था उत्थित पद्मासन मयूरासन, और ये अभी चल रहा है। ये तुलासन तो और थोड़ा कठिन है, दोनों तरफ से शरीर उठाना। आप उठाओगे तब पता लगेगा, अभी मैं उठा रहा हूं तो ऐसा लगेगा ये तो बड़ा आसान है, मैं भी ज्यादा नहीं करता हूं इसको, थोड़ा सा कर रहा हूं। उठाने में इधर से उठाएंगे तो उधर से नहीं उठेगा, और उधर से उठाएंगे तो इधर से नहीं उठेगा। अभी मैं कर रहा हूं तो थोड़ा ऐसा लग रहा है, तो बड़ा आसान सा है, उठाओगे तो पता लगेगा। तो मैं कह रहा था कुछ आगे झुकने वाले, कुछ पीछे झुकने वाले, कुछ संतुलन बनाने वाले, ऐसे अलग अलग भुजंगासन कर लिया, एक एक आसन, एक एक मिनट, सिर्फ 5-5 मिनट। अभी मैं एक एक मिनट करके बता रहा, एक एक मिनट, एक एक आसन, उससे क्या होगा? उससे एक संतुलन सहज घटित होगा आपके भी। अब जैसे एक मिनट तक मैं ये मरकटासन ऐसे करके रखता हूं, तीसरा अभ्यास हो रहा है मरकटासन, तो मेरी स्पाइनल कोड में जो भी इंबैलेंस हुआ होगा, गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से सोने से, 12-14 घंटा गलत तरीके से बैठे और 6-7 घंटा गलत तरीके से सोए, तो कमर गड़बड़ होगी, तो एक मिनट तो चाहिए उसको ठीक करने के लिए। जो तुमने गड़बड़ी 24 घंटे में की, गलत तरीके से बैठ के, चल के, सो करके, अब उसको ठीक करने के लिए एक मिनट का तो अवकाश दो, एक मिनट का तो अवसर दो। ऐसे एक मिनट तक ऐसे कर, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, एक पैर दूसरे हाथ के पास, एक तरफ से ऐसे किया, फिर दूसरी तरफ से ऐसे, आराम से, तो एक मिनट का तो अवसर दो। कुछ तो इतने जल्दबाज होते हैं, स्वामी जी बस अभी मुक्त कर दो। अरे भाई थोड़ा तसल्ली भी ले ले, इतनी कौन सी जल्दी पड़ी है मुक्ति की, थोड़ा कर ले, ठहर जा थोड़ा। धृति क्षमा दमोस्तेयम सोचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धैर्य तो रख, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, योग में ज्ञान में ठहर तो सही। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम
दया भूतेश लोलुप्तम मार्गम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नाति मानिता। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नाति मानिता। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नाति मानिता। भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोध पारस्यमेव च ज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ दमासुरीं दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मासु चह संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। सब बच्चों को याद कराओ ये गीता के पांच श्लोक 16वें अध्याय के। दैवासुर संपद विभाग योग्य है, ये दैवी संपद से युक्त हो, दिव्यता से युक्त हो, दिव्य ज्ञान से, दिव्य भाव से, दिव्य कर्म से, दिव्य आहार विचार पाणी व्यवहार स्वभाव आचरण से युक्त हो हमारे जीवन। एक एक आसन को एक एक मिनट करना है, जो स्थिरता पूर्वक करने और जो गति पूर्वक करने उनको 100-100 बार करना है। अभी मैं 100 बार में भी करने वाला हूं, 100 बार एक एक प्रवाह से, एक प्रवाह से गति भी उतनी ही, प्रगति भी उतनी ही, गति भी उतनी, स्थिरता उतनी, दोनों का संतुलन। एक एक मिनट आसन हो हमारे, उत्तानपाद आसन भी 1 से 2 मिनट ऐसे ऊपर उठा करके रोक के रख दिया। एक आसन को जब 1 से 2 मिनट लगातार करेंगे तब उसका विशेष लाभ होगा। ऐसे नहीं बंदर की तरह आगे दौड़ पीछे छोड़, पूज्याचार्य भाषण जी सुनाते रहते हैं बंदर की कुकड़ी की कहानी। एक बंदर कुकड़ी के मकई के खेत में घुस गया, मेज जिसे हम कौन से मकई से कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं उस खेत में घुस गया और 2 कुकड़ी तोड़ी, उनको बगल में डाला, फिर अगली वाली 2 तोड़ ली तो 2 निकल गई, पूरा खेत तोड़ दिया और 2 ही कुकड़ी हाथ में। ऐसे हम दौड़ लगाते रहते हैं जिंदगी में, जहां से चले थे वहीं खड़े हुए, आगे बढ़े ही नहीं, क्योंकि ये बंदर वाला काम करते रहते हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़, स्थिरता पूर्वक, धैर्य पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, एक संतुलन के साथ जीवन में आगे बढ़ना होता है। आसन कम से कम 1-1 मिनट करें और वजन घटाने और बढ़ाने के लिए 100-100 बार करें, फिर हो नहीं सकता। 100 डिग्री पर पानी उबाले और वाष्प ना बने, दिस इज इंपॉसिबल। इफ यू आर प्रोवाइडिंग 100 डिग्री टेम्परेचर फॉर वाटर सो इट विल बी स्टीम ऑटोमेटिकली, वो अपने आप ही होगा वाष्प, वाष्प बनेगा उसका। सही खेत में, उपजाऊ भूमि में सही पानी हो, सही सारी व्यवस्था की हुई हो, सही बीज डाला जाए तो अंकुरित तो होगा, पुष्पित पल्लवित तो होगा। ऐसे ही जैसे खेती, ऐसे योग की खेती है। जो करना है, जितना करना है, जैसे करना है उतना करेंगे तो उसका फल मिलेगा, और जो करना है, जितना करना है, जैसा करना है वैसा नहीं करेंगे। अब करना है डायबिटीज के लिए, जो भी मैं बता रहा था, योग मुद्रासन या मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्तानपादासन, लोकासन, 1-1 मिनट करते हैं 10-10 सेकंड, ना भाई 1-1 मिनट भी नहीं, 1-1 मिनट करके 5 बार करना है, 5-5 मिनट करना है, तो 5 आसन करने में कितनी देर लगेगी? 25 मिनट लग गए। 25 मिनट ये अभ्यास किया और 25 मिनट प्राणायाम किया, डायबिटीज कंट्रोल पहले ही दिन से। एक रिदम के साथ
एक लय के साथ, जो करना है उसको पूरा करें। इसलिए मैं कहता हूं पूर्णता जीवन का सिद्धांत है, पूर्णता में ही दिव्यता है। पूर्णमदाह पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ज्ञान पूरा होना चाहिए, अर्थात आधा अधूरा नहीं, विपरीत ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान नहीं, संशयुक्त ज्ञान नहीं। ज्ञान पूरा, भक्ति भी पूरी, श्रद्धा समर्पण पूरा। अब माँ माँ होती है, अब ऐसी थोड़ी है, ये 99% मेरी माँ है, ये 99% मेरा बाप है। जैसे संबंधों में हमारी निष्ठा पूरी होती है, ऐसे भगवान में, गुरु में, अपने ध्येय में, अपने कर्म में। ज्ञान भी पूरा, भक्ति भी पूरी, कर्म भी पूरा, कर्म भी आधा अधूरा नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं, योग भी पूरा। अब एक एक अभ्यास एक सप्ताह में जितना मैं कह रहा हूं उतना हो जाएगा, 5-5 मिनट एक एक आसन करने का, और 100-100 बार सूर्य नमस्कार से लेकर के वजन बढ़ाने के लिए दंड बैठक से लेकर के, और वजन घटाने के लिए अर्धनासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लेट करके भुजंगासन, उल्टे लेट करके, बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, 100-100 बार खड़े होकर के तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, सब 100-100 बार। अभी मैं 100-100 बार खुद ही करके बताऊंगा। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, मैं प्रवचन के नाम पर कोई वंचना नहीं करता, मैं कोई बोलने के नाम पर थूक नहीं बिलोता मुंह में। कुछ लोग ऐसे ही प्रवचन वीर होते हैं, बोलते रहते, बक बक करते रहते, जीते कुछ भी नहीं। सभा में भाषण दे के आएंगे, बैंगन मत खाना, और घर में बैंगन ही बनवाएंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। सभा में बोल करके आएंगे कि झूठ मत बोलना, आते पत्नी से ही झूठ बोलेंगे, बच्चों से झूठ बोलेंगे, ऐसे नहीं होना। मैं कह रहा था 100-100 बार वेट कम करने वाले चाहिए, अभ्यास कर रहे हैं जो दोनों से नहीं कर सकते, चाहे वो एक एक से कर रहे हैं, ऐसे 100-100 बार, ऐसे 100-100 बार ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन भी 100-100 बार ऐसे पूरा, ऐसे 100-100 बार। और 100 बार करने में कितना समय लगेगा? एक सप्ताह लगेगा 100-100 बार करने में, 100-100 बार साइकिलिंग, ऐसे द्विचक्रिकासन, अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 100-100 बार। ऐसे ही वेट घटाने के लिए भुजंगासन, और वेट बढ़ाने के लिए ये दोनों काम करता है। जिनका बढ़ा हुआ पेट आगे निकला हुआ है बहुत बेकार लगता है आगे निकला हुआ पेट, और जिनक का घटा हुआ, दोनों के लिए बराबर लाभप्रद है। तो मैं 100 बार करके बता रहा हूं, ये 100 बार ऐसे, 100 बार ऐसे भी कर सकते हैं। मैं 50-50 बार कर देता हूं दोनों। ये 50 बार मैंने कर दिया, मैं तो इसको भी 100 बार कर सकता हूं। फिर 50 से 100 बार ये कर लिया, ऐसे ऐसे किया।
इसमें थोड़ी कोहनियां झुकी रहती है, पहले में कोहनियां सीधी हो गई। तो जिनका शरीर उबड़ खाबड़ है, बेडोल है, बैलेंस बिगड़ा हुआ, स्ट्रक्चरल बैलेंस नहीं है, बुरा हाल है शरीर का, ये 50 बार ऐसे कर लेना। इस प्रकार से 50-50 बार कर लिया, ऐसे ही सर्वासन भी ऐसे 50-50 बार एक एक पैर से ऐसे उठाया, एक एक अभ्यास को ऐसे 50-50 100-100 बार जब करते हैं तो जो चाहते हैं वही पाते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। मेरे जीवन के मैं 4-5 शब्द बोलता हूं, एक कर्म और उसी का दूसरा शब्द है एक अभ्यास। मैंने जो कुछ जीवन में पाया मैंने कर्म नहीं छोड़ा बचपन से लेके आज तक, और अपने अभ्यासों को खराब नहीं किया, उठना जागना सोना खाना पीना सोचना देखना सोचने के अभ्यास, उल्टा पुल्टा देखा नहीं, उल्टा पुल्टा सुना नहीं, उल्टा पुल्टा बोला नहीं, उल्टा पुल्टा खाया नहीं, उल्टा पुल्टा किया नहीं, कुछ सुबह से शाम तक उल्टे पुल्टे होते रहते हैं, बेपेंदी के लोटे की तरह लुढ़कते रहते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं जीवन के 2 बहुत बड़े सत्य हैं। वैसे तो कर्म में ही सब कुछ आ गया, लेकिन उसका विस्तार कह रहा हूं, कर्म का ही विस्तार है अभ्यास। इसी 2 शब्दों को मैं प्रार्थना और पुरुषार्थ कहकर के भी कहता हूं, इसी को मैं श्रम और विश्राम कहकर भी कहता हूं, इसी को मैं कहता हूं भीतर से पूर्ण शांत बाहर से पूर्ण क्रियाशील, इसी को मैं कहता हूं भीतर से पूर्ण निवृत्ति और बाहर से पूर्ण प्रवृत्ति। जब मैं हरिद्वार में आया तब से मैंने देखा, एक माता जी मिल गई, वो सुबह से शाम तक यही करती रहती थी, प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति। मैंने कहा ये प्रवृत्ति निवृत्ति ये झिकझिक बंद झिकझिक झिकझिक बंद कर, प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति, अब बताओ काम करना नहीं, प्रवृत्ति निवृत्ति में पड़े हुए। लंबे लंबे श्वास कितनी बार करना, वजन घटाने के लिए 100-100 बार और वजन बढ़ाने के लिए अब सूर्य नमस्कार करेंगे 100-100 बार, ऐसे एक एक अभ्यास को 100-100 बार। हाँ चलो अब 100 बार करेंगे। अगर हो सके ये इनायत करो, मेरे दाता मेरे मालिक मुझ पर कृपा करो। अब भगवान से कृपा की यात्रा तो सब करते रहते हैं लेकिन करना कुछ नहीं, इसलिए मैं कहता हूं भगवान भिखारियों को नहीं अधिकारियों को देता है। जब देखो तभी भिखमंगों की तरह नहीं, लंबे लंबे श्वास, जिनको वजन बढ़ाना है वो 100 बार सूर्य नमस्कार करेंगे सामान्य मध्यम या तीव्र गति से, और फिर जो मैं खाने के लिए बोलता हूं वैसे खाएंगे, वैसे ही जिएंगे वैसे ही रहेंगे, तो जो चाहेंगे वो पाएंगे वैसे ही बन जाएंगे। जिनको 10-20-30 किलो 50 किलो बढ़ाना है वो बढ़ जाएगा, जिनको घटाना है उनका घट जाएगा।
कभी भी बीमारियों के साथ, अपने भीतर की कमजोरियों के साथ समझौता नहीं। मैं समझौतावादी आदमी नहीं हूं, आर पार का फैसला रहता है, बस ये करना है ये नहीं करना, ऐसे जीना है ऐसे नहीं जीना। सुबह उठ करके योग करना है, सुबह उठ करके 100 बार पहले बैठक लगानी है तो लगानी, मैं लगाता। ये प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, करता हूं। अगर हो सके ये इनायत करो, अगर हो सके ये इनायत करो, मेरे दाताओ मेरे मालिक हमारी हिफाजत करो, मेरे दाता हमारी हिफाजत करो, अगर हो सके ये इनायत करो, अगर हो सके ये इनायत करो। जिनको बचाना है वो भी कर सकते हैं सिर्फ 25-50 का, और जिनको बढ़ाना वो कर सकते हैं। मेरे जीवन की डोरी तेरे हाथ में, मेरे जीवन की डोरी तेरे हाथ में, हर कदम तेरा साया रहे साथ में, हर कदम तेरा साया रहे साथ में, नाम तेरा ओ नाम तेरा ही गाऊं ये आदत करो, नाम तेरा ही गाऊं ये आदत करो, अगर हो सके ये इनायत करो, अगर हो सके ये इनायत करो। एक एक दंड बैठक वो भी 100-100 बार कर सकते हैं, 25-25 बार कर सकते हैं, चाहे साधारण ऐसे बैठक लगाएं, चाहे राममूर्ति लगाएं या हनुमान बैठक लगाएं। अपना अपना अभ्यास 100-100 बार, 25-25 का एक एक राउंड, एक एक आवृत्ति, एक एक सेट, 25-25 का करके 100-100 बार कर, पूरी निष्ठा से, पूरे आनंद से, पूरे उत्साह से, मस्ती से करना चाहिए। हर काम को ऐसे करें जैसे पूजा करना चाहिए। बोले ये योग, ये दंड बैठक भगवान के लिए कैसे लगाई जाती है? दंड बैठक लगा करके शरीर बलवान बनाएंगे और भगवान की ज्यादा सेवा करेंगे, जो कायर कमजोर बुजदिले हो क्या भगवान की सेवा करेंगे। हम तुम्हारे करम तलवार हैं, हम तुम्हारे करम के तलवार हैं, मिल गए तो समझ लो कि हम पार हैं। हम तुम्हारे करम के तलवार हैं, मिल गए तो समझ लो कि हम पार हैं। हम थे गाफिल ओ हम थे गाफिल, मगर तुम न गफलत करो, हम थे गाफिल मगर तुम न गफलत करो, अगर हो सके ये इनायत करो, अगर हो सके ये इनायत करो। ऐसे एक एक अभ्यास 25-25 बार कर ले, ये भी 12-12 बार दोनों तरफ से कर लिया तो ये भी 25 बार हो जाता है। एक एक अभ्यास 25-25 बार कर लिया उसे।
ऐसे ही दंड भी है। साधारण दंड 25 बार लगा ली, राममूर्ति दंड 25 बार, वक्षव विकासक दंड 25 बार, हनुमान दंड 25 बार, हो गई 100 बार। फिर दो राउंड कर लिए, तीन राउंड कर लिए, चार पांच राउंड कर लिए, हो गया 500 बार। जैसे भाई मैं कर रहा हूं 25-25 का एक एक राउंड आपको बताया, 100 बार हो जाएंगे विद इन 2 मिनट्स। स्वागत करो नए मोड़ का, कुछ तो स्वागत करो, अगर हो सके ये इनायत करो, अगर हो सके ये इनायत करो, मेरे दाता मेरे मालिक हमारी हिफाजत करो, मेरे मालिक हमारी हिफाजत करो, अगर हो सके ये इनायत करो, अगर हो सके ये इनायत करो, हिफाजत करो इनायत करो, हिफाजत करो हिफाजत करो। दो अभ्यास हो गए, 100 बार हो गया, 50 बार हो गया, अभी तीसरा अभ्यास हो गया, हनुमान दंड आराम आराम से कर ले, थक जाए तो बीच में एक दो मिनट आराम कर ले। आराम आराम से कर लिया, इसे आराम आराम से करेंगे तो थकान भी नहीं होगी, सांस भी नहीं उखड़ेंगे। अब किसी में वेग ही बहुत ज्यादा है तो फिर से तेजी से कर ले, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। मैं 100 बार करके बता रहा था आपको, तो 100 बार हो जाए, 25-25 बार करके 4 कर लिए, साधारण दंड, वक्ष विकासक दंड, हनुमान दंड, मिश्र दंड, कोई भी 4 दंड कर लो, पार्श्व दंड कर लो, चक्र दंड कर लो, 4 दंड 100 बार मैं भी कर रहा हूं। एक श्वास में एक अभ्यास, कहते हैं स्वामी जी योग तो किया रोग नहीं मिटा, योग तो किया भगवान नहीं मिला, योग करोगे तो भगवान मिलेंगे ना, तुम तो खेल कर रहे हो। करना ऐसा होता है कि करते करते तुम्हारा पसीना चून, करने की परिभाषा मैंने आपको बताई भी है कि करते करते जब लगे ना, अब तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा, चलते चलते करते करते तब मामला पूरा बनेगा कि एक कदम भी नहीं बढ़ा जा रहा, अब तो एक स्टॉक भी नहीं लग रहा कपाल भाती का, अब तो एक दंड बैठक भी आगे और नहीं लग पा रही, स्वामी जी क्या करें, तब तुम्हें लाभ होगा। बोले स्वामी जी आप तो पूरे ही संकट में डाल देते हो। संकट में नहीं डाल रहा हूं, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान,
करना तो पड़ेगा, आराम आराम से कर लो ऐसे। कैसे आएंगे भगवान, मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। पहले पसीना आएगा फिर भगवान नजर आएगा। अब पसीना ही नहीं आए तो भगवान तो बहुत आगे की बात है। मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, तुमने दिल से नहीं पुकारा, तुमने दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में ओ हर कोने कलमश कसाई की लगी हुई है। अब देखो मैं थक गया इस माले में, तो अब आगे नहीं हो पा रहा, अब चेंज कर लेते हैं। कार्यांतर ही विश्राम, आराम। हर कोने कलमश कसाय की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं, आराम आराम से। हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौवारा, आंगन चौवारा अंधियारा, आंगन चौवारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं तू धोया, मन का मैल नहीं तू धोया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। पकड़ के रखना, अब यही अभ्यास मैं सौ सौ बार कर लेता हूं। कैसे? श्वास लिया, ऐसे वापस आ गए थोड़ा। कुछ मोतियन की माला आई माथे पर, हमने हीरे सोना चांदी मोती से तो श्रृंगार नहीं किया, कहीं बिंदिया भी नहीं लगाई, लेकिन ये माथे का श्रृंगार बनती है पसीने की बूंदे। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। फास्ट करो तो दस बार करके बता रहा हूं। ओ हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भोले से नाम से पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भोले से पाया नहीं सहारा, दुखी है। मैंने तो सौ बार से ज्यादा लगा लिया, जब ये कर लेते हैं ना तो फिर ये शरीर ना भुजाएं, सीना, पूरा शरीर ऐसे, विद्वान तो हम बनते ही हैं, पहलवान भी बन जाते हैं, और साथ में ऐसे पहलवान जो चरित्रवान होते हैं, विद्वान होते हैं, ऐसे बनते हैं हम योग से। फिर सौ बार तेजी से भस्त्रिका कर ले, फिर सहस्र धारा बहने लगेगी पूरे शरीर से, हृदय तुम्हारा पिघल
घल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भोले हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। ओ भीतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाँह पकड़ते शाक विदुर घर खाते, श्याम सूर की बाँह पकड़ते शाक विदुर घर खाते। पर हमने इस पर हमने नहीं बिचारा, इस पर हमने नहीं बिचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे भगवान, कैसे आएंगे 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 भगवान। ऐसे प्राणायाम करते करते भी एक गले की नसें खिंच जाती है, फेफड़ा भी खिंच जाता है, और यहां से दोनों तरफ से भ्रूहों से पसीना टपक रहा था दोनों तरफ से। सहस्र शीर्षाह पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद हो रहा था, पूरा पुरुष सूक्त उतर रहा था। ऐसे भस्त्री का, ऐसे कपाल भाती, ऐसे अनुलोम विलोम जो कर लेंगे तो तन के रोग, मन के रोग, मन के विकार, मन का अंधकार, मन की चंचलता अपने आप दूर हो जाएगी। ऐसे आगे से तो पसीना बह रहा है और ये सामने से पूरी छाती और पूरा पीठ में भी पसीना ही पसीना है पूरा, सब सब और ऐसे सब और से जब पसीना बहने लगेगा ना, यह तप ना अतपस्विनः योगः सिद्ध्यति, बिना तप वाले का योग सिद्ध होता नहीं है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, यही क्रिया योग है। सबसे पहला साधन योग का यही बताया साधन पाठ में महर्षि पतंजलि ने। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग प्राणायाम परमं तपः। ऐसे स्वाध्याय अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा,
और भगवान के साथ एक आत्मता, हो जाएगा योग सिद्ध, लग जाएगी समाधि, मिट जाएंगी सब व्याधि। तो चाहे समाधि पाद में साधन बताए, प्रसर्धन विधारणाभ्यम वा प्राणस्य ईश्वर प्रणिधानाद्वा तीव्र संवेगानामासन्न तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यास तपस्वाध्यायीषु प्रणिधानानि क्रियायोगः यवनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानि योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिः अविवेक ख्याते। समाधि पाद में, साधन पाद में और विभूति पाद में देशबंधस्य तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमेव समाधि त्रमेकत्र समय तज्ज्ञात प्रज्ञालोक तस्य भूमि शून्य योग प्रतिपाद वा सर्व। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद में तो बस उस भगवान में विलीन हो जाओ, अपने आप को छोड़ दो, प्रभु के हवाले कर दो। मेरी नैया है तेरे हवाले प्रभु, पग पग तू ही संभाल। कपाल भाती देखो, अनुलोम विलोम कर लो। जन्म औषधि मंत्र तपह समाधि जा सिद्धया। हाँ, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावा चित शक्ति रीति। भगवान में पूर्ण पुरुषार्थ होने पर पुरुषार्थ शून्य स्थिति में जाते हैं। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में पुरुषार्थ शून्य होते हैं सारे, पुरुषार्थ की परिपूर्णता में प्रतिप्रसव होता है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव, ऐसा है। अब किसी को समझना हो तो समझ लो, नहीं तो भाई अपना ठोकर खा के समझ लो। ऐसे कपाल भाति अनुलोम विलोम। मेरा जीवन है तेरे हवाले हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु इसी पग पग तू ही संभाल। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाल, पग पग तू ही संभाल, पग पग तू ही संभाल। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाल। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाल। मोह माया के बंधन खोल
शरण मिले लो। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण मिले लो, शरण मिले लो अब मुझको तो अपना लो, मुझको तो अपना ले प्रभु, से पग पग दो हे संभाल मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, से पग पग दो हे संभाल। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण मिले लो। पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद जब प्रार्थना करते हैं तब अपने आप भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे प्राणायाम पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना पूर्वक करना तो जीवन का समग्र दिव्य रूपांतरण हो जाएगा। इसी को मैं कहता हूँ व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, सब रोगों की, दुखों की, विकारों की, दुर्विचारों की, दुर्भावनाओं की, दुर्बलताओं की, दोषों की समाप्ति, दिव्यता की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, ये योग से होती है। ऐसे ही देश के लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों भाई बहन हमारे साथ आस्था से ही जुड़ जाते हैं। आस्था चैनल पर तो करते ही करते हैं लाखों करोड़ों भाई बहन। अभी फेसबुक जो सोशल मीडिया है पूरे वर्ल्ड वाइड रहता है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, पूरी दुनिया में ये वर्ल्ड मीडिया हो गया है। और इस पर भी हर रोज हमारे साथ लाखों लाखों भाई बहन जुड़ जाते हैं सुबह से ही, और करते हुए योगाभ्यास इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे होते हैं, उन सब का हम अभिनंदन करते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ सुबह से ही कल के कार्यक्रम को ध्यान और योग में दोनों में करीब 20 लाख लोग तो फेसबुक पर ही जुड़े हुए थे। ऐसे ही हर रोज 20-25 लाख तो इसमें करते करते ही जुड़ जाते हैं, और फिर आस्था पर तो ये करोड़ों लोगों के आत्मनिर्माण का और आत्मनिर्वाण का माने जीवन निर्माण से लेकर के निर्वाण मोक्ष तक का ये मार्ग प्रशस्त हो रहा है। ऐसे ही आप इसको खूब बढ़ाइए, खुद आस्था चैनल देखिए, औरों को प्रेरित कीजिए, खुद फेसबुक से जुड़िए, सोशल मीडिया से जुड़िए। एक सात्विक शक्ति खड़ी होगी तो तामसिक राजसिक शक्ति अपने आप परास्त होंगी। और जो हमारा संकल्प है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे इंद्रम वर्धन्तो अप्सराः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणः। चारों ओर से असुरता मिटेगी, देवत्व की प्रतिष्ठा होगी, दिव्य व्यक्तित्व और दिव्य नेतृत्व का निर्माण करना योग के माध्यम से, चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण करना, एक आध्यात्मिक भारत आध्यात्मिक विश्व का निर्माण करना, ये कार्य संपन्न हो रहा है। आप इसी तरह से इसको खूब बढ़ाएं। अब इसके बाद हम इंडिया टीवी पर आपसे मिलेंगे, वहाँ पर भी योग की ये अविरल धारा बहाएंगे। आस्था के साथ एक अलग तरह की क्लास जुड़ी हुई होती है जो धार्मिक आध्यात्मिक सात्विक आत्माएं, और वहाँ पर कॉमन पब्लिक जुड़ी हुई होती है, उधर भी खूब लोगों को प्रेरित करें, जो भोर में नहीं उठ पाते उनको बोलो इंडिया टीवी पर देख करके करें। ऐसे सब करेंगे तो ये सारा राष्ट्र और सारा विश्व योगमय बनेगा, आध्यात्मिक भारत आध्यात्मिक विश्व का निर्माण होगा, दिव्य व्यक्तित्व का, दिव्य नेतृत्व का निर्माण होगा, चारों तरफ इस प्रकृति में, इस अस्तित्व में दिव्यता होगी, सबके जीवन में स्वास्थ्य होगा, सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी, खुशहाली होगी। कितना सुंदर मार्ग है एक योग का, एक योग के साधने से जीवन में सब कुछ सज जाएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति।